टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निमेश सिन्हा। हर साल 4 फरवरी को पूरा विश्व वर्ल्ड कैंसर डे मनाता है ताकि लोगों को इस खतरनाक बीमारी के बारे में जागरूक किया जा सके। आज हम भी कुछ खास रिसर्च के साथ आपको कैंसर एक जानलेवा बीमारी से रूबरू कराएंगे। अक्सर लोगों को कैंसर का पता उस वक्त चलता है जब यह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस जानलेवा बीमारी के होने पर शरीर की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं और धीरे धीरे शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। समय रहते अगर इस बीमारी का इलाज ना किया जाए तो इससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। पूरे भारत वर्ष में कैंसर रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं अगर सिर्फ बिहार की बात करें तो हर 5 से 8 मिनट में एक मरीज की कैंसर की वजह से मौत हो रही है। वहीं कैंसर के मामलों की बात करें तो बिहार देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ऐसे 4 राज्य हैं जहां कैंसर से सालाना 1 लाख से अधिक मामले मिल रहे हैं। इन राज्यों में कैंसर से होने वाली मौतें भी सर्वाधिक हैं। साल 2022 में बिहार कैंसर से होने वाली मौतों के मामले में देश के राज्य में चौथे स्थान पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार कैंसर से दुनिया भर में हर साल करीब 1 करोड़ मौतें होती हैं। हर 6 में से 1 मौत की वजह कैंसर ही है। वर्तमान में दुनिया के 20% कैंसर मरीज भारत से हैं। मई 2022 में एक शोध के अनुसार दुनिया के 172 में से 91 देशों में 70 वर्ष की आयु से पहले मौत के प्रमुख कारणों में कैंसर पहले या दूसरे स्थान पर रहा है। भारत की बात करें तो साल 2022 में देश में कैंसर के मामले 14.61 लाख हो गए थे। कैंसर से होने वाली मौतें भी 8.8 लाख थी। इसका सबसे बड़ा कारण है जागरूकता का अभाव। विशेषज्ञों के अनुसार अधिसंख्या मरीज कैंसर के तीसरे और चौथे स्टेज में पहुंचते हैं। कैंसर को लेकर जागरूकता बड़ी चीज है। अगर विश्व में कैंसर जैसे रोगों के लिए जागरूकता फैलाई जाए तो मौत के आंकड़े को कम किया जा सकता है। वहीं बिहार की बात अगर करें तो यहां पुरुषों में सिर और गले के कैंसर सबसे ज्यादा होते हैं, तो वहीं महिलाओं में स्तन कैंसर के मामले सबसे अधिक हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। जागरूकता है जरूरी। एक शोध के मुताबिक देश भर में एक वर्ष में 15 लाख से अधिक लोगों की मौत कैंसर से हो रही है। इसमें हर साल कैंसर रोगियों की संख्या में 10 से 13% वृद्धि हो रही है। इसमें बिहार में हर वर्ष 5-6% तक मौतें हो रही हैं। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं बिहार में मौतों के आंकड़े। साल 2014 में 59,431 मौतें। साल 2015 में 62,651 मौतें। साल 2016 में 66,040 मौतें। साल 2017 में 69,607 मौतें। साल 2018 में 73,361 मौतें। साल 2019 में 73,781 मौतें। साल 2020 में 74,142 मौतें। साल 2021 में 74,894 मौतें। साल 2022 में 75,489 मौतें। साल 2023 में लगभग 76,000 मौतें। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक दुनिया के 20% कैंसर मरीज भारत से हैं। इस बीमारी से हर साल यहां 75,000 लोगों की मौत हो जाती है। WHO के रिपोर्ट के अनुसार किए जा रहे नए सालाना कैंसर के केसों की 2020 की रैंकिंग में चीन और अमेरिका के बाद भारत को तीसरे स्थान पर रखा था। भारत में कैंसर का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। देश में कैंसर के बढ़ते ग्राफ। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत में कैंसर पीड़ितों की संख्या 26.7 मिलियन थी और 2025 तक कैंसर मरीजों की संख्या 29.8 मिलियन होने की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा मामले पिछले वर्ष देखे गए जब उत्तर भारत में
प्रति 1,00,000 व्यक्ति पर 2,408 रोगी और उत्तर पूर्व में प्रति 1,00,000 व्यक्ति पर 2,177 रोगियों की मामले सामने आए। कैंसर के मामले महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि 7 तरह के कैंसर ऐसे हैं जिनके 40% से ज्यादा मामले हैं। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं अलग अलग कैंसर के आंकड़े। फेफड़े के कैंसर के 10.6 मामले, स्तन कैंसर के 10.5%, इसोफेगस कैंसर के 5.8% मामले, मुंह के कैंसर के 5.7% मामले, पेट के कैंसर के 5.2% मामले, लिवर कैंसर के 4.6% मामले, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के 4.3% मामले, मुंह पेट कोलोरेक्टल फेफड़े ग्रसनी और ग्रास नली के कैंसर के मामले छोड़ दिए जाएं तो भारतीय पुरुषों में अन्य कैंसर की दर प्रति 1,00,000 पर 5 या उससे ज्यादा की है। वहीं आपको यह भी बता दें कि भारतीय महिलाओं में सबसे ज्यादा मामले स्तन गर्भाशय ग्रीवा और कोलोरेक्टल कैंसर के आते हैं। इनके अलावा जो भी कैंसर है उनके मामले प्रति 1,00,000 महिलाओं में 5 से कम ही दर्ज किए गए हैं। कैंसर का पता अगर शुरुआत में चल जाए तो इस बीमारी से जीता जा सकता है, लेकिन यह एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षणों का शुरुआत में पता लगाना काफी मुश्किल होता है। यूं तो कैंसर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन पैंक्रियाटिक कैंसर को काफी खतरनाक माना जाता है। पैंक्रियाटिक कैंसर पेट के निचले हिस्से यानी अग्नाशय के पीछे वाले अंग में होते हैं। ऐसे में आज वर्ल्ड कैंसर डे के इस मौके पर हम आपको पुरुषों में दिखने वाले कैंसर के लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। पुरुष भूलकर भी इन लक्षणों को ना करें इग्नोर। कैंसर को लेकर पुरुषों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, इसलिए जरूरी है कि पुरुष अपने शरीर के अंदर हो रहे बदलाव को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं पुरुषों में कैंसर के लक्षण के बारे में। निकलने में दिक्कत, गले की जांच के लिए बेरियम एक्सरे किया जा सकता है। पेशाब में दिक्कत, पेशाब में खून का आना। प्रोस्टेट कैंसर का खतरा, खून या प्रोस्टेट की जांच जरूरी। स्किन में बदलाव, अगर आपकी स्किन पर तिल या मस्सा है तो इसके आकार या रंग में बदलाव आ सकता है। स्किन पर कुछ धब्बे अचानक दिख सकते हैं, बायोप्सी कराने की सलाह। टेस्टिकल्स में बदलाव, टेस्टिकल में गांठ, भारीपन या कोई भी बदलाव दिखने पर ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड जरूरी। सीने में जलन, सीने में बहुत ज्यादा जलन पेट या गले के कैंसर से जुड़ा हो सकता है। मुंह में बदलाव, अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर तंबाकू खाते हैं तो आपको माउथ कैंसर होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तेजी से वजन घटना, ये पैंक्रियाज, पेट या लंग कैंसर का खतरा। छाती में बदलाव, छाती में गांठ महसूस होना पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण। थकान, कई प्रकार के कैंसर में बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। बहुत ज्यादा खांसी आना, खांसी 4 सप्ताह के बाद भी रहती है और इसके साथ ही आपको सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होती है, तो ये लंग कैंसर के लक्षण हैं। बहरहाल देश भर में बढ़ते कैंसर का खतरा पुरुषों के लिए ज्यादा घातक है, इसके लिए इस बीमारी को लेकर जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। दीजिए इजाजत, देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल बी उत्तर प्रदेश।